हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो वेव कर रहे थे हम, उसमें वेव पार्ट टू स्टार्ट करते हैं। बेसिकली इसमें हम बहुत सारे क्वेश्चन कर चुके थे और उस क्वेश्चन को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। तो आप इस क्वेश्चन को देखो। देखो मैं कैसे क्वेश्चन कर रहा हूँ, वैसे आप क्वेश्चन करना। वीडियो को पॉज करो और सॉल्व करने की कोशिश करो। एक स्ट्रिंग है, स्ट्रेच बिटवीन टू फिक्स्ड पॉइंट। अब आप पढ़ के आए होगे, जो स्ट्रिंग आप पढ़े होगे उसमें दो स्ट्रिंग पढ़े होगे। एक स्ट्रिंग एक ही साइड बंधी होगी और एक स्ट्रिंग दोनों साइड बंधी होगी। तो ये जो क्वेश्चन है वो ऐसी स्ट्रिंग की है, दोनों साइड स्ट्रेच है, फिक्स्ड है इस टाइप के। अब ये अलग अलग मोड ऑफ वाइब्रेशन में अलग अलग नोड्स और एंटी नोड बनते हैं, हम सबको पता है। इसकी जो लेंथ है वो ऑलरेडी दिया हुआ है 75 सेंटीमीटर। दिस लेंथ इज 75 सेंटीमीटर। ऑब्जर्व दैट रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी 420 एंड 315, ये जो है वो अलग अलग हमारे रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी हैं और इनके बीच कोई भी रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी लाई नहीं करती है। मतलब ये कंजिक्यूटिव फ्रीक्वेंसी है। जब ये स्ट्रिंग अलग अलग मोड में वाइब्रेट करती है तो उसकी अपनी फ्रीक्वेंसी का इक्वेशन है V/2L, वेयर N क्या है, इंटीजर है, फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन, N 2 3 4 5 ... सभी हार्मोनिक इसमें प्रेजेंट होते हैं। एंड दिस इज बेसिकली द nth मोड ऑफ वाइब्रेशन, आपको ये बात पता होगा। तो ये जो जनरल फ्रीक्वेंसी है n मोड ऑफ वाइब्रेशन में इस स्ट्रिंग के लिए है। अब आपके पास दो कंजिक्यूटिव फ्रीक्वेंसी दिया, ध्यान देना इनके बीच कोई फ्रीक्वेंसी लाई नहीं करती, मतलब दो कंजिक्यूटिव है, मतलब एक के बाद जस्ट दूसरा है। तो मैं पहली फ्रीक्वेंसी को 315 हर्ट्ज असाइन कर देता हूँ और मैं दूसरी फ्रीक्वेंसी को 420 हर्ट्ज असाइन कर देता हूँ, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। अब लोएस्ट रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी ऑफ द स्ट्रिंग, मतलब इसकी मिनिमम फ्रीक्वेंसी निकालनी है और मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी निकालनी है। तो आपको पता होगा कि n = 1 के लिए जिसको हम फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन, फर्स्ट हार्मोनिक बोलते हैं, उसमें जो फ्रीक्वेंसी होती है वो मिनिमम होती है और उसकी वैल्यू होती है n की वैल्यू 1 रो, तो V/2L की हमें कैलकुलेशन करनी है। वी नीड टू कैलकुलेट दिस वैल्यू F V/2L। क्लियर है। इस समय जो फ्रीक्वेंसी होती है वो मिनिमम होती है, वो वेवलेंथ मैक्सिमम होता है और स्ट्रिंग कुछ ऐसे वाइब्रेट करती है इस मोड में। n = 1 के लिए स्ट्रिंग कुछ ऐसे हमको दिखाई देती है, इस टाइप से कुछ दिखाई देती है। इसमें दो नोड बनते हैं, यहाँ तो ऑलवेज नोड बनेगा, यहाँ भी ऑलवेज नोड बनेगा फिक्स, और यहाँ मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होगा, वहाँ एंटी नोड बनेगा। क्लियर है ये। तो इस केस में, इस मोड ऑफ ऑसिलेशन में फ्रीक्वेंसी मिनिमम होती है, वेवलेंथ मैक्सिमम होता है और यही हमें कैलकुलेट करना है। अब इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं, इसका यूज करते हैं। दो कंजुगेटिव फ्रीक्वेंसी है तो मैं F1 को लिख सकता हूँ N V/2L, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं F2 को लिख सकता हूँ N+1 V/2L equation number 2, बिकॉज दो कंजुगेटिव फ्रीक्वेंसी है। तो मैं इनको ऐसे लिख सकता हूँ। अब मैं पहले से दूसरे में डिवाइड कर देता हूँ तो F1/F2 = n n+1, ये हमें मिल जाएगा फाइनल। अब यहाँ से वैल्यू, सिर्फ वैल्यू डाल दो तो वैल्यू डालने के बाद मुझे क्या मिलेगा, F1 की वैल्यू 315 है, A 420 है, ये आ जाएगा n और ये आ जाएगा n+1। इसको सॉल्व करके मुझे n निकालना होगा। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो फटाफट इसको सॉल्व करो, 315n + 315 = 420n। तो ये 315 = 420n में से 315 माइनस कर दो तो 105n, मतलब n की वैल्यू आ जाएगी 3। तो ये आ गया हमें 3। हमें क्या चाहिए, V/2L की वैल्यू चाहिए क्योंकि यही मिनिमम फ्रीक्वेंसी देगा। तो एक काम करते हैं, इस वाले एक्सप्रेशन को यूज कर लेते हैं, ये इस वाले एक्सप्रेशन को यूज करते हैं। तो F1 = ये दिया हुआ है N V/2L और इसकी वैल्यू है 315। अब हमें V/2L आराम से यहाँ से निकल जाएगा, बोलो। तो V/2L की जो वैल्यू है वो 315/n आ जाएगा और ये आ जाएगा 315, n की वैल्यू 3 है तो
तो यह जाएगा 105 हर्ट्स। दिस इज द मिनिमम फ्रीक्वेंसी और ये हमारा फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन या फर्स्ट हार्मोनिक में हमें दिखाई देगा 105। तो आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गया होगा बेहतर तरीके।